हर मुश्किल का हल होता है, आज नहीं तो कल होता है। दोस्तों मैं दावे से कह सकता हूँ कि आप सबकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मैं दावे से ये भी कह सकता हूँ कि आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स आपने जबरदस्ती की बनाई हुई हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं नहीं, लेकिन आपने उन्हें जबरदस्ती का प्रॉब्लम्स नाम दे रखा है, और बहुत सारे फेलियर्स हैं जो आपने जबरदस्ती के फेलियर बनाए हुए हैं। तो कैसे जबरदस्ती की प्रॉब्लम से बाहर निकला जा सकता है और कैसे जबरदस्ती का फेलियर अपनी सक्सेस में बदल सकते हैं, इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले कुछ लोगों की प्रॉब्लम्स जो उन्होंने सक्सेसफुल बनने के बीच में कभी आने नहीं दी, आपके सामने पेश करूंगा। पहला एग्जाम्पल है, मेरी हाइट बहुत छोटी है यार, मैं एक्टिंग में या स्पोर्ट्स में नहीं जा सकता। तो भाई सचिन तेंदुलकर की हाइट कितनी बड़ी थी जो वो स्पोर्ट्स में इतना नाम कमा गए? आमिर खान या सलमान खान की हाइट कितनी बड़ी है जो मूवीज में एक्टिंग में इतना नाम कमा गए? तो मेरी हाइट छोटी है प्रॉब्लम आपकी अगर हो तो प्लीज़ ध्यान दीजिए। दूसरा एग्जाम्पल है, यार मेरी आवाज़ अच्छी नहीं, आवाज़ पतली है, मेरी आवाज़ भारी है यार, मेरी आवाज़ की वजह से बहुत मजाक बनता है। तो अमिताभ बच्चन को रेडियो से सिर्फ इस वजह से निकाला गया था क्योंकि उनकी आवाज़ बहुत भारी थी, और आज उनकी आवाज़ की वजह से वो इतने मशहूर है और उनकी आवाज़ के कॉपीराइट हुए हैं, जिसकी वजह से लोगों को पैसे देने पड़ते हैं उनकी आवाज़ यूज़ करने के लिए। तो मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है या आवाज़ पतली आवाज़ भारी है आपकी प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा एग्जाम्पल है, यार मेरी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, सारा काम पर्सनैलिटी का होता है, सारा खेल पर्सनैलिटी का है, जिसकी पर्सनैलिटी अच्छी वो वाह वाह, अदरवाइज पर्सनैलिटी बुरी और आपकी ज़िंदगी ख़त्म। तो दोस्तों नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पर्सनैलिटी कितनी अच्छी थी, लेकिन आज उनकी पर्सनैलिटी के बारे में लोग बात करते हैं कि क्या पर्सनैलिटी है बंदे की, और वो एक्टर हैं। चौथा एग्जाम्पल है कि यार सारी प्रॉब्लम्स एक तरफ, लेकिन घर में डिप्रेशन होना, घर के हालात अच्छे ना हो तो बंदा कुछ नहीं कर सकता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है घर के हालात और डिप्रेशन। तो दोस्तों विवेक बिंद्रा जो बहुत बड़े मोटिवेशन स्पीकर हैं, जो दो लोगों को बताते हैं कैसे मोटिवेट रहना है, कैसे बिजनेस स्टार्ट करना है, उनके पिताजी का देहान 2.5 साल की उम्र में हो गया था, उनकी माताजी का दूसरा विवाह भी जब वो 2.5 साल के तब हो गया था, उन्होंने बचपन में डिप्रेशन कुछ कम देखा होगा क्या? पांचवा एग्जाम्पल, यार लोग ना मेरी बुराई करते हैं, लोगों के सामने मेरी इमेज गंदी है। तो हमारे प्रिया आयरन मैन यानी कि रॉबर्ट डाउनी, तो उनकी पर्सनैलिटी की बात की जाए तो बाद में, लेकिन वो जेल जा चुके हैं ड्रग्स की वजह से, बड़ी बार जेल जा चुके हैं, लोग उनके बारे में क्या कुछ अच्छा बोलते होंगे आप सोच सकते हैं, लेकिन आज लोग उनकी तारीफ करते हैं, लोग उनके एक ऑटोग्राफ के लिए मरते हैं। तो दोस्तों लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, या फिर लोगों के सामने आपकी इमेज बुरी हो चुकी है, या फिर गंदी इमेज हो चुकी है, या फिर आपकी कोई गलतियां आपके लोगों के सामने आगे नहीं बढ़ने दे रही, तो ये प्रॉब्लम नहीं है, ये फेलियर नहीं है। दोस्तों इन पांच एग्जांपल से मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो बिल्कुल आपके हाथ में नहीं है, तो मैं बता दूं कि सारी की सारी चीज़ें हमारे हाथ में हैं, सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन भी हमारे हाथ में हैं, लेकिन चाहिए तो एक इच्छा। एग्जांपल के तौर पर अगर सबको लगता है कि मैं मोटा हूं तो मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, तो गणेश आचार्य जो बेस्ट डांसर हैं इतने मोटे होने के बाद, लेकिन अब उन्होंने अपना वेट लूज़ कर लिया है। लेकिन अगर वो सोचने लग जाएं कि मैं मोटा हूं या फिर मैं पतला हूं या फिर मेरे घर पे प्रॉब्लम है या फिर मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है या फिर लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, और ये सारी प्रॉब्लम्स को फाइनल प्रॉब्लम्स या फिर फेलियर मान के चलें, तो शायद ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएं। एग्जाम्पल दे देता हूं मैं खुद का, अगर मैं प्रॉब्लम मान के चलूं कि 2.5 साल से हर संडे वीडियो बनाने के बाद मेरी वीडियोज़ पे व्यूज़ नहीं आते और मैं वीडियोज़ बनाने छोड़ देता हूं क्योंकि प्रॉब्लम यही है यार व्यूज़ नहीं आते, तो शायद वो प्रॉब्लम मेरी है, वो प्रॉब्लम मैंने ज़बरदस्ती की बनाई है और एक्सटर्नल फैक्टर लोगों को बना रहा हूँ। दोस्तों आप सबकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन आपको मानकर चलना पड़ेगा कि सारा खेल विल पावर का है। जब आप हिम्मत हार जाएंगे तो वो प्रॉब्लम्स बन जाएंगी, लेकिन जब आप हिम्मत नहीं हारेंगे तो वो सक्सेस में बदल जाएंगे। आपके फेलियर्स ज़बरदस्ती के हैं क्योंकि आप हिम्मत हार चुके हैं, आपकी प्रॉब्लम ज़बरदस्ती की हैं क्योंकि आप हिम्मत हार चुके हैं। आपको लगता है कि आप कुछ नहीं सकते, लेकिन भाई कोशिश करके देखो, आपकी सारी प्रॉब्लम के सोल्यूशन है। चांद तक अगर इंसान जा सकता है तो क्या दोस्तों आपकी प्रॉब्लम के सोल्यूशन नहीं होंगे? इस वीडियो के जरिए सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि क्या हुआ है मेरे साथ ये मैं सोचिए, अब क्या कर सकता हूँ ये सोचिए, और आपकी आधी से आप प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। आपको जब लगे ना कि प्रॉब्लम्स पे आपका कोई बस नहीं है, तो बताऊँ सारा बस आपका ही है, बस दिमाग पर थोड़ा जोर डालिए, थोड़ी कोशिश करके देखिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैं सबको बता पाऊँ कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन आधे से ज़्यादा ज़बरदस्ती की प्रॉब्लम होती है क्योंकि हम हिम्मत हार जाते हैं और कोशिश नहीं करना चाहते, और सारा कसूर सामने प्रॉब्लम्स का रख देते हैं, अपना कसूर नहीं निकालते कि हमने कोशिश करके देखी क्या।
दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सबकी मदद हो पाए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सबसे जुड़ता रहूं हर हफ्ते ऐसी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रोहित थापर, मोटिवेटेड टू मोटिवेट।